11 व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं सुमन असवाल। आप देख रहे हैं एसएसए मैजिशियन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का एसएसए मैजिशियन यूट्यूब चैनल में आज की एक कमाल की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का जो मैजिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड कमाल का है। आपने आगे क्लिप तो देखी ली होगी। इस मैजिक का ट्रिक एंड ट्यूटोरियल आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा यूट्यूब पर, तो मैं आप लोगों को लेके आ गया हूँ। जो आपने देखा, मेरे पास फ्लावर का एक बड़ा सा गुलदस्ता था, उस पर मैंने फ्लावर तोड़ के डाले, फिर नए फ्लावर आए, फिर मैंने डाले, फिर नए फ्लावर जो है उस पर आ गए थे। तो ये मैजिक काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड कमाल का है, स्टेज मैजिक है ये। इसे आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हो, अपने दर्शकों को जो है मनोरंजन दे सकते हो। तो अगर आप भी इस मैजिक को सीखना चाहते हो, इस जादू को सीखना चाहते हो, तो वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं इसका रहस्य, इसका राज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे होता है, कैसे जादूगर लोग इसे करते हैं, कैसे मैंने किया, आप लोग कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो हो सकता है आप कुछ पार्ट मिस करें और मैजिक जो है अच्छे से नहीं सीख पाए। तो वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। अगर आपको मैजिक सीखने में इंटरेस्ट है, मैजिक आपको अच्छा लगा, तो एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं इस चैनल पे नई नई और कमाल की इंटरेस्टिंग मैजिक वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आएगा सबसे पहले। आप वो मैजिक सीख पाएंगे और जादू देख पाएंगे। और शेयर इसलिए कर देना ताकि आपके दोस्त भी अंधविश्वास से दूर रहें, वो भी जादू सीख सके कि जादू कैसे होता है, कैसे हाथों की सफाई जो है की जाती है। तो चलो बिना के आपको बोर शुरू करते हैं जादू का स्टोर। अगर आप भी चाहते हैं कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मैजिक का स्टोर जो है शुरू होता है। अब आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक फ्लावर था जो कि मैंने म्यूजिक के साथ आपको मैजिक करके दिखाया। अभी मैं आपको वॉइस के साथ एक बार करके दिखाऊंगा, उसके बाद इसका रहस्य जो है आप लोगों को बताऊंगा कि इसको मैंने कैसे किया, आप लोग कैसे कर सकते हो, अदर जादूगर कैसे करते हैं। तो एक बार वॉइस के साथ आप लोगों को बताऊंगा भी। तो पहले म्यूजिक के साथ चला के दिखाया था, तो आप अभी आप वॉइस के साथ देखें इसे परफॉर्म कैसे करते हैं। फ्लावर रहता है, खुशबू ली, काफ़ी अच्छे रहते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्लावर को तोड़ के डाल देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तोड़ के सभी फ्लावर को जो है गुलदस्ते से अलग कर देते हैं। उसके बाद इस पर कुछ भी नहीं रहता है, गुलदस्ता एकदम खाली। उसके बाद हम हंकी लेते हैं, एक रुमाल लेते हैं, इस रुमाल को जो है अच्छी तरीके से दिखा देते हैं पब्लिक को, एकदम खाली है। उसके बाद इस रुमाल को इस पर डाला, जैसे रुमाल को इस पर डालते हैं कुछ मैजिक करते हैं, जादू करते हैं, आपरा कटाबरा गिली 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 छू, ऐसे जादू किया, रुमाल को हटाया, आप लोग देख सकते हो फ्लावर जो है यहाँ पे येलो कलर के आ चुके हैं। रुमाल को भी फेंक देते हैं, उसके बाद इसको भी देखा काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, उसके बाद इसको भी तोड़ के हटा देते हैं। हमने इसको भी तोड़ के हटा दिया है, गुलदस्ता एकदम दोबारा से खाली हो चुका है। उसके बाद हमारे पास रहता है एक रेड कलर का हंकी, रेड कलर का रुमाल, आप लोग देख सकते हो, इसको यहाँ पे ऐसे डालते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जैसे रेड कलर के रुमाल को इस प्रकार से यहाँ पे डालते हैं, दोबारा से जादू करते हैं, आबरा कटाबरा गिली 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 छू, रुमाल हमारा बाहर आ रहा है। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने रेड कलर का एक हंकी डाल दिया है, दोबारा से हम कुछ मैजिक करते हैं इस पर। जैसे ही मैजिक करते हैं तो आप लोग देख सकते हो, जैसे रुमाल हटाते हैं तो यहाँ पे फूल भी रेड कलर के आ जाते हैं। ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हो कितने खूबसूरत से फूल हैं रेड कलर के। वाह, तो ये मैजिक इस प्रकार से होता है। अभी आप लोगों को ही बताऊंगा कि मैंने कैसे किया, आप लोग कैसे कर सकते हो। तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आप वीडियो स्किप कर देते हो सकता है वीडियो कुछ पार्ट मिस हो सकते हैं, कि आपको मैजिक सीखने में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें, तभी आप इसका रहस्य जो अच्छे से सीख पाओगे एंड जान पाओगे। तो चलो चलते हैं इसके ट्रिक एंड ट्यूटोरियल पर। सो फ्रेंड्स, इसका ट्रिक काफ़ी आसान है और काफ़ी सरल है, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी। और ये जो गुलदस्ता है ये आपको ऑनलाइन परचेस करना होगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप यहाँ पे कॉल करके जो है ये फ्लावर का गुलदस्ता मंगा सकते हो, और भी मैजिक के काफ़ी सारे आइटम मंगा सकते हो। तो पहले आपको तो ये परचेस करना होगा मैजिक शॉप से, या मेरे से भी खरीद सकते हो अगर आप चाहते हो, यहाँ पर नंबर आ रहा है स्क्रीन पर। उसके बाद जैसे ये आप खरीदोगे तो यहाँ पर सेटअप होता है। सबसे पहली बात, यहाँ पे फ्लावर लगाने पड़ते हैं आपको, अलग से फ्लावर जो है पैकिंग आ जाते हैं। आप लोग जैसे देख सकते हो मेरे पास येलो कलर के फ्लावर है कुछ इस प्रकार से। अब पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक बटन होगा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी रेड कलर के फ्लावर जो है वो लगे हुए रहते हैं, इनको आप निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, यहीं पर ही सेट हो रखें।
तो इस बटन को हमें नीचे पुश करना होता है, यहाँ तक एंड तक पुश करना होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे फ्लावर और डालने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह होती है। येलो कलर के फ्लावर हमने यहाँ इसके अंदर डाल दिए, आप लोग देख सकते हो येलो कलर के सभी फ्लावर, हम 8 के 8 फ्लावर यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए फ्लावर जो है यहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस होता है, जगह होती है फ्लावर को रखने के लिए। अभी हमने येलो कलर के फ्लावर जो है इसके अंदर डाल दिए हैं, आपको नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ से इसका बटन जो है डाउन कर रखा है। ठीक है, इसके बाद भी हमें और फ्लावर इस पर लगाने होते हैं जो कि पब्लिक को सबसे पहले नज़र में दिखाना होता है। तो ये कलरफुल फ्लावर हमारे पास कुछ हैं, ये सबसे ऊपर में ही रहेंगे और ये नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर जगह नहीं है, इतनी ही जगह स्पेस यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो ये फ्लावर हम लगा देते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये फ्लावर का जो पैकेट है वो आपको अलग से मिल जाता है, और ये फ्लावर इसी के साथ आपको मिल जाता है, आपको अलग से परचेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम ये फ्लावर लगा देते हैं तो दिखाते हैं पब्लिक को कि हाँ गुलदस्ते के ऊपर फ्लावर हैं, ऐसे दिखाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इन्हें तोड़ के फेंकते हैं, ये फेंके, ऐसे तोड़ निकाल के फेंके, ये निकाल के फेंके गुलदस्ते से। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक हंकी लेते हैं, रुमाल लेते हैं, इसको यहाँ पर डाल देते हैं। कि मतलब और भी कई प्रकार से कर सकते हो, टोपी इसके ऊपर रख सकते हो, रुमाल रख सकते हो। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, ये जो बटन है यहाँ पे, इसको आधे पे लेके जाना होता है, ना कि पूरा। अगर पूरा लेके जाओगे तो आपका जो लाल फूल है सबसे नीचे वो भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है इसको जो है हमें यहाँ आप लोग देख सकते हो आधे पे ही लेके जाना है, ओनली आधे पे ही लेके जाना है, पूरा ऊपर ना करें क्योंकि हमारा रेड फूल भी जो है ऊपर आ जाएगा। आधे पे जैसे इस बटन को लेके गए, उसके बाद रुमाल हटाओगे, आपका येलो फ्लावर यहाँ पे रेडी हो जाएगा, रुमाल भी फेंक सकते हो और येलो फ्लावर यहाँ पे देखने को पब्लिक को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, कुछ ऐसे एक्टिंग करते हैं, खुशबू आने लेते हैं, उसके बाद इसको भी तोड़ के फेंक देते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब आपको पता है कि लास्ट में जो है रेड कलर के फ्लावर आने वाले हैं, हमने रेड ही हंके रखा था, यानी कि रेड ही रुमाल रखा था, आप लोग देख कुछ इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, ये जो बटन है इसको आपको पूरा ही ऊपर करना है। ठीक है, पूरा पूरा ऊपर कर दिया आप लोगों ने, इसके बाद हंकी को हटाना है और यहाँ पे रेड कलर के फ्लावर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप इन्हें तोड़ नहीं सकते हो क्योंकि ये एंडिंग है, इससे नीचे कोई भी फ्लावर नहीं है। बस आपको ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये बटन का जो पार्ट है, ये ध्यान रखना है, सबसे पहले ये डाउन रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर फूल रहेंगे, वो तोड़ के निकालने हैं, उसके बाद रुमाल डालोगे गुलदस्ते पे, इसको बटन को आधे पे लेके जाना है, आधे पे, पूरा मत लेके जाना ताकि वो जो रेड फ्लावर है वो ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद आपके येलो आ जाएंगे, जैसे येलो को निकाल के फेंकोगे इसको पूरा ऊपर कर देने का तो ये रेड आ जाएंगे। और ध्यान रखना कि जब स्टेज पे मैजिक दिखा रहे होंगे, जादू दिखा रहे होंगे, तो ये जो पार्ट है जो कट किया हुआ है ये अपनी तरफ होना चाहिए। ठीक है, अपनी तरफ, और अंगूठे से काम होता है, अंगूठे से आपको ऊपर नीचे करना होता है। पब्लिक का ध्यान तो यहाँ पे रहेगा, बट आपको कुछ यहाँ से पीछे से ही झोलमोल करना होता है। ठीक है, तो ये आगे सो मत करना, कभी कभी ऐसे मत घूमने देना इसको, जो फ्लावर का ये है इसको पीछे की साइड ही रहने देना। ठीक है, ऐसे पीछे की साइड रहता है तो आगे से कुछ भी नहीं दिखता है, पीछे से हम लोग यहाँ पे बटन को प्रेस कर देते हैं। बस यही था इसका ट्रिक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप ये खूबसूरत सा गुलदस्ता खरीदना चाहते हो, आप भी इसको अपना बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, वहाँ पे कॉल कर सकते हो। मैजिक के जो भी ए टू जेड आइटम अगर आपको चाहिए तो कॉल करके व्हाट्सएप पे लिस्ट भेज दीजिए, आपको आइटम की प्राइस भेज दी जाएगी। उसके बाद अगर आपको मतलब प्राइस अच्छी लगती है तो खरीद सकते हैं, नहीं लगती है तो कोई बात नहीं। तो एक बार कांटेक्ट जरूर करें अगर आपको मैजिक प्रोडक्ट चाहिए, अदरवाइज ये मैजिक आपको कैसे लगा एक लाइक करके ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो उम्मीद करता हूँ ये जो कमाल का इंटरेस्टिंग मैजिक था, इसकी ट्रिक आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आप इसकी ट्रिक जान चुके हैं और आप इस मैजिक प्रोडक्ट को अपना बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे कॉल कर सकते हो और मैजिक का आइटम ए टू जेड मंगा सकते हो। तो अगर आपको मैजिक अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे लिए एक लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई और कमाल की इंटरेस्टिंग मैजिक वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आएगा आप तक। सबसे पहले आप वो जादू देख पाओगे एंड सीख पाओगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा जादू सीखना है और कौन सा जादू आप देखना चाहते हो।
अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी मेरे स्क्रीन पे दिख रही होगी, जाके फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट कमाल की मैजिक ट्रिक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।